आज हम इस वीडियो में भारत की नदियों के बारे में जानकारी लेंगे। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्राय कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में जाकर वो गिरती है। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंधु तथा गंगा नदी की घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ था। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का संकेंद्रण नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः चार नदी प्रणालियां हैं। उत्तरी भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियां विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती है। भारत की नदियों को चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ, तटवर्ती नदियाँ, अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। हिमालय की नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ, जिसे शिवालिक या हिंदू ब्रह्म नदी भी कहा जाता था। यह नदी असम से पंजाब तक बहती है। प्लिस्टोसिन काल में जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ तो यह नदी छिन्न भिन्न हो गई एवं वर्तमान तीन नदी तंत्रों में बढ़ गई। इस संबंध में भूगर्भ वैज्ञानिकों के मत एक नहीं है।